हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन विदेश। दोस्तों, मिशन विदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो क्या आप वहां पे जॉब ले सकते हैं, आपको वहां पे जॉब मिल सकती है, क्या ये पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा ऑप्टेन कर लिया है दुबई का, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और या आप प्लान कर रहे हैं दुबई में वीज़ा पर जाकर जॉब सर्च करने की, तो क्या क्या अपने पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। तो सबसे पहला ऑप्शन है, जब आप विजिट वीज़ा पे जाएं तो सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे दुबई जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रिसर्च करनी है। ठीक है, बिफोर यू गो टू दुबई, ठीक है, रिसर्च क्या करनी है, आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, सपोज आप रिटेल सेक्टर में जॉब करते हैं, तो रिटेल सेक्टर में आपके जॉब की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आपने कौन सी सिटी में जाना है। ठीक है, बोर दुबई में जाना है या देरा में जाना है, कहाँ पे आपने जॉब सर्च करनी, कहाँ पे ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं, उसी तरीके से आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रिसर्च कीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट्स को, पोर्टल को चेक कीजिए, कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दीजिए, देखिए उसमें, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को रेडी रखिए। ओके, दूसरा है सेलेक्ट द राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या होता है, अब राइट टाइम ये है कि अगर आप समर सीजन में जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, अगर आप जब बात करते हैं सितंबर अक्टूबर तक अगर बात करते हैं, तो काफ़ी गर्मी रहती है, तो इस गर्मी के टाइम पे आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये काफ़ी आपके लिए हेक्टिक भी है। अगर आप जो हायरिंग का मेन पीक टाइम है वो है आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, और इस बेसिस पे आप दुबई में जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दुबई जॉब सर्च करना काफ़ी इजी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रिपेयर सीवी एंड कवर लेटर। अब आपको पता है कि कवर लेटर होना ज़रूरी है, सीवी प्रिपेयर होना आपका ज़रूरी है। अगर आपके पास सीवी प्रिपेयर नहीं है तो आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने एक बुक पब्लिश की है आपका सीवी कैसे क्रिएट करें, इंटरनेशनल सीवी सैंपल्स क्या क्या है इंडस्ट्री वाइज। ओके, आपको जिस उस लिंक पे जाना है चेक कीजिए, 30+ सैंपल्स उसमें हैं, और क्या क्या कौन कौन से रिज्यूमे के ऊपर मैंने बहुत सारा आप इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 120 पेज की बुक है, आप इसको चेक करें और अपने फॉर्मेट को सेलेक्ट करें, किसी भी फॉर्मेट को उठाएं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सीवी एडिट करके प्रिपेयर करें। उसके बाद एक कवर लेटर, इसमें भी मैंने कवर लेटर के सारे सैंपल्स दिए हैं, कवर लेटर चेक कर लें। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दुबई, अगर इफ़ यू वांट सर्च जॉब इन दुबई। फोर्थ है सेट अ डेली टारगेट। अब डेली टारगेट क्या सेट करना है, आपने आपने डिसाइड करना है कि आप दुबई में पर डे, अगर आप विजिट वीज़ा पे सिंगल एंट्री पे जा रहे हैं, 30 डेज आपका टाइम है, तो 30 डेज में पर डे आपने कहाँ कहाँ जॉब सर्च करनी है, कौन कौन सी, कितने आप जॉब अप्लाई करेंगे वन डे में। मैं आपसे और सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम 2 से 3 जॉब आप पर डे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, 2 से 3 जगह आप पहुंचने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आपका लक काम कर जाएगा। ठीक है, और डेली टारगेट का मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन गए और वहाँ पे आपने अप्लाई बटन दबाया वेबसाइट में, और उसके बाद आपने सीवी अपडेट किया, अपलोड किया और सेंड कर दिया, बस आपने इतना नहीं करना है। आपने ये भी देखना है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, उसकी डिटेल्स पढ़ लें, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके सीवी के अकॉर्डिंग, आपकी जो जॉब एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैच करता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद पाँचवा ऑप्शन जो है अटेंड वॉक इन इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे क्या है, दुबई में बहुत सारे वॉक इन्स चलते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे वॉक इन्स हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं वॉक इन्स हैं, वहाँ पे आपने
वॉक-इंस पे जाना है। जितने वॉक-इंस पे आप जा पाएँ, सपोज करें आप बुर्ज दुबई से देहरा जा रहे हैं या फिर किसी और प्लेस पे जा रहे हैं, तो उस प्लेस के अंदर अगर आपका ट्रैवल करते टाइम कोई वॉक-इंस है, वॉक-इन इंटरव्यू है, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वॉक-इन इंटरव्यू में आपका CV और कवर लेटर देख कर ही दुबई जॉब आपको मिल सकती है। हायरिंग मैनेजर आपको आपकी एबिलिटी, आपके जॉब एक्सपीरियंस को देख के हायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप ये बोलूँगा कि आपकी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, इसके बाद है अगला नेटवर्किंग, 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 नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या है, आपका अगर कोई फ्रेंड दुबई में है, कोई आपके रिलेटिव दुबई में है, किसी भी तरीके का कनेक्शन आपका दुबई में कोई फ्रेंड है, तो आप उनसे ज़रूर बात करें। आप आने से पहले भी बात कर रहे हैं कि मैं दुबई में जॉब सर्च करना चाहता हूँ और दुबई आना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, और कोई ऐसी अब कंपनी है जहाँ पे आप मुझे रेकमेंड करें। सपोज आपका फ्रेंड एक भी सी किसी कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी में हायरिंग मैनेजर को, HR मैनेजर को आपका फ्रेंड रेकमेंड कर सकता है कि आई नो दिस पर्सन वेरी गुड इन यू नो एजुकेशन एंड ही हैज़ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा, तो आपके लिए एक ग्राउंड लेवल का जो प्लेटफॉर्म है वो रेडी करके रखेगा। अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिला है नेटवर्किंग के थ्रू। अगर आप मोस्टली जो आजकल जॉब्स लोगों को मिल रही हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू ही मिल रही हैं, क्योंकि आज की डेट में हायरिंग मैनेजर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल के दिन गलत बंदे को हायर कर लिया, उसके बाद कंपनी पे कुछ गलत इफेक्ट आता है, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हायरिंग मैनेजर के ऊपर बात ना जाए। वो अपना करियर, उसका भी अपना करियर है, वो उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशन के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू आपका जॉब जो ओपनिंग्स होती हैं उसको फिलअप करते हैं। इसके बाद है फॉलो अप, लास्ट ऑप्शन है फॉलो अप। अब फॉलो अप का क्या मतलब है, फॉलो अप का मतलब ये है कि आपने जॉब इंटरव्यू दे दिया, सपोज आप करें कि आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, हायरिंग मैनेजर आपसे पूछ रहा है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, आपका वीज़ा एक्सपायर होने 5 दिन बचे हुए हैं, तो आप इंटरव्यू के दौरान जब आपसे बातें हो, पर्सनल इंटरेक्शन हो, तो उस टाइम पे आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरा वीज़ा 5 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो और मैं आपके फीडबैक की संभावना कब तक करूँ, ठीक है, कब तक आपका फीडबैक मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप उनको फॉलो अप करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो हो सकता है कि हायरिंग मैनेजर जिसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आने वाला है वो जल्दी आपको बता दे, अगर उसने सेलेक्ट किया हो। ठीक है, दुबई में ये काफ़ी देखने को मिला है कि जॉब पाना बहुत ईजी है। मैं खुद ही कई फ्रेंड लोगों को देख चुका हूँ, वो विजिट वीज़ा पे जाकर आपका जॉब ऑप्टेन कर चुके हैं। ओके, तो इट्स वेरी इजी टू गेट जॉब इन दुबई इफ़ यू फॉलो प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स थ्रू आवर चैनल। तो मिशन विदेश का यही टारगेट है कि आप लोगों तक बेटर इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप, अगर आप दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको दुबई में जॉब मिलेगी आप अगर मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आप तक लेके आने वाला हूँ, जैसा कि मैं पहले कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल में जाकर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं digitalbabaji@gmail.com पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।